कभी नहीं मालूम होगा, मैं भगतने वाली नहीं, मैं हर डेट चेंज करती रही हूँ। अब नहीं देखो मेहंदी लगा हुआ, इसका नाम का भी मेहंदी लगा हुआ है। और शादी करना था कल, रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रार साहब को भी फोन कर देते। मैं पता नहीं क्या तो मैं करूंगी। तकिया उसी में लगती है ना, तकिया लगती है, आपको फिंगरप्रिंट चाहिए ना, सारा मेहंदी लगा हुआ है। बताओ क्या हुआ था, ब्लीडिंग नहीं रुकी थी, प्लीज इनको हॉस्पिटल लेके जाइए ना, प्लीज कुछ भी कर देना, हम चले जाएंगे जेल, हमको बाएं से भी मरना है, ऐसे भी मरना है मुझे। लेकिन मैं किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी कि तुम किसी और लड़की का जीवन बर्बाद करो, मुझसे पहले बहुत तक ये बोला था। मेरे जैसे लड़की को धोखा दिए, बार बार डेट देके बार बार चेंज किए, इसका परिवार मेरा नहीं है, मेरा सारा परिवार से रिश्ता तोड़वा दिया था, यही पे 112 पे सबसे लिखित गया था, सारा परिवार रिश्ता तोड़ दिया था। तुमको बहुत किए मैं प्रकाश, लेकिन तुम नहीं मेरे हुए, नहीं हुए मेरे, बोलना बेतका भर लो। आपको फिंगरप्रिंट चाहिए ना, तकिया लगती है, मैं अपने हाथों से देखती हूं। आपको फिंगरप्रिंट चाहिए ना, तकिया लगती है, मैं अपने हाथों से देखती हूं। हम यहाँ पर करनी है, ले चलो हॉस्पिटल, क्योंकि वो मुझे सबसे पहले आया था तो शादी के लिए बोला था कि शादी करेंगे हम आपसे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मतलब विश्वास दिलाता रहा कि आज करेंगे कल करेंगे, उस दिन जिसमें मतलब फिजिकल हुए। फिर उसके बाद हम लोग का फिर आप दोनों को फिजिकल रिलेशन कितना दिन से चल रहा है? लगभग 7 साल से। 1 साल से ठीक। फिर उसके बाद फिर उस बीच में हम 3 बार प्रेगनेंट भी हुए, 2 बार 1.5 महीना का ऑपरेशन हुआ, 1 महीना एक बार जो खाना पे मैं हमले की थी उस समय 3.5 महीने के बाद का ऑपरेशन हुआ था। और बोला था कि शादी करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ था कि शादी करेंगे, इसको हटा दो शादी करेंगे। शादी का डेट चेंज होते गया, हम 21 या 22 क्या कहते हैं मार्च को हम वहाँ गए थे थाना पे एप्लीकेशन लेके, शादी एक पेपर सना वहाँ पे होगा रखा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुआ, तो 8 फरवरी को रजिस्ट्रेशन हुआ कोर्ट मैरिज के लिए। फिर 10-5 को हम लोग का शादी करना था, ये एक रात पहले भाग गया कहीं और, ठीक है। फिर दूसरा डेट हुआ कि 11 तारीख को जब ये 112 का पुलिस आए मेरे हॉस्पिटल पे, तो ये फ़ोन पे बात हुई तो बोले कि 15 दिन के बाद शादी कर लेंगे, यानी 11, 15, 26 तारीख। तो 24 तारीख को मेरे भैया से मकेर में बात हुई थी, मेरे भैया मैं और वो थे, 24 तारीख को बात क्या नाम है भैया? राजू है, राजू कुमार। तो उनसे बात हुई थी तो वो बोले ना कि 3 तारीख को शादी करेंगे कि मेरे, हम बोले चलिए 2 दिन पहले 2 दिन बाद, बीच में सैटरडे आ जाता था। 3 तारीख को ये क्या किया कि 1 तारीख को लखनऊ भाग गया, ठीक है शादी करेंगे। 3 तारीख के रात को आया मेरे यहाँ का, फिर 4 तारीख को डेट पड़ा कि 7 तारीख को जब आपके यहाँ आया तो फिर रात को आया तो आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना? हाँ, फिजिकल रिलेशन हमेशा बनता है। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये 4 तारीख को बात हुआ। कहाँ गई मेरा सिपाही, कहाँ है? 4 क्या हुआ ना कि 7 तारीख का डेट दिया कि 7 तारीख को शादी करेंगे, फिर शुक्रवार को फिर बोला कि नहीं कहीं ये कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर भैया के पास गया, भैया से डेट लिए एक बार फिर मकर में, ठीक है भैया के पास गया तो भैया डेट दिए, नहीं भैया नहीं देते दी, ये हमारे पास आके बोला कि हम ये मैं क्या। फिर लास्ट महीना में आया तो लास्ट महीना का 20 से 25 30 कब, तो 25 से 30 के बीच में कर लेंगे, तो 25 से 30 के बीच में, तो 30 तो संडे था, सैटरडे 29 हो गया, तो 20 से 25 28 के बीच में, तो आज 28 तारीख के शुक्रवार को फाइनल हुआ। शुक्रवार को किसी कारणवश फिर कैंसिल हो गया, तो फिर आज का डेट दिया हुआ था आज, मतलब माला बोले थे रजिस्ट्रार साहब आया था 12 बजे तक फोटो आना चाहिए, और बोला क्या कि कल रात में रजिस्ट्री ऑफिस खुलवा और रात में शादी करेंगे। रात में कौन सा शादी होता है, हर एक नियम कानून है, हर चीज़ का एक समय है, तो कौन नहीं खुलेगा। रजिस्ट्रार साहब को काली देख कह रहा कि अभी खुलवा और फिर शादी करते रात में 12 बजे, कल रात की बात करेंगे। सुबह में बोला कि फोन पे बोल रहा है कि शादी नहीं करो लेकिन हम आजीवन रहेंगे ऐसे ही,
आजीवन किस रूप से रहे। एक रखेल भी होता है ना, उसका भी रोग मेंटेनेंस देता है, रूम देता है, गाड़ी देता है, उसका हर एक खर्चा देता है, वो पर्सनल एक यूज के लिए रखा होता है। तो किसी का भुगतान करना है तो कानून जुर्म है। तो किसी को बार बार ये करना, आपको नहीं पता है किसी के साथ फिजिकल 3 बार अबॉर्शन करवाना, खुद दवाई खिलाना, खुद अबॉर्शन किया, कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, वो सारा पेपर पे लिखा होगा, उस पेपर पे अगर दिया होगा तो। उस टाइम में प्रेगनेंट थी, इस ये जो जुर्म हुआ इसको आप कबूल कर रहे हैं? हाँ मैं कबूल, क्योंकि मैं कबूल नहीं की। रामचंद्र जी भी छल से बाली का वध किए थे, तो वो उनके ऊपर भी कोई नियम कानून नहीं लगा था। लगाना है तो लगा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण भी तो छल किए थे ये कौरव के साथ। देखिए, ये खबर आई कि आज 11 बजे दिन के आसपास की ये घटना है, जिसमें कि एक महिला जो वहाँ पर LV चिकित्सा केंद्र चलाती हैं, तो उनका इसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था, पिछले कई वर्षों से बता रही हैं, जिसमें 7-8 बार शादी की डेट भी फिक्स की गई थी, लेकिन मौके पर जो है शादी नहीं हो पाई। इस कारण से क्षुब्ध होकर के उस पीड़िता ने, उस लड़की ने जो है इनको बुलाया और आज ये घटना को अंजाम दिया, जिसमें बेहोशी की हालत में उसके प्राइवेट पार्ट काटने की बात आई है। तो इसको तुरंत वहाँ पर जख्मी को हम लोगों ने इलाज के लिए भेजा है, और जो लड़की है उसे चाकू के साथ जो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अगर तक करो सर, इसमें कहा यह जा रहा है कि जो महिला जो लड़की है उनका कोई हॉस्पिटल का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, जो हॉस्पिटल वो चलाते थे, ये जाँच का विषय है, इसमें हम लोग जाँच करेंगे, तो फिर अन्य अग्रतर धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी।